और 252, 251 और 252 और ये दूसरे पारे की बिल्कुल आखिरी दो आयतें हैं। और पिछले दर्स में हमने उन दोनों आयतों की इब्तिदा की, उसमें से जो पहली आयत है आयत नंबर 251 उसके पहले टुकड़े को हमने समझा, जिसमें दाऊद अलैहिस्सलाम का तारुफ है कि वो क्या थे, क्या करते थे, क्या उनका मर्तबा और मुकाम है, उस सब को हमने पिछले दर्स में हमने सुना। अब आइए इसका दूसरा टुकड़ा आयत नंबर 251 का जो दूसरा टुकड़ा है उसको और फिर आयत नंबर 252 को, दोनों को एक साथ हम समझते हैं। बड़ी ही प्यारी आयत है आयत नंबर 251 कुरान मजीद में। ऐसी आयत दो जगह पर है, कुल ये एक और एक जगह पर। आयत इतनी जामा, इतनी अहम आयत है, बहुत बहुत गहराई है इस आयत में। ऐसा होता है कि कभी कभी तो जो जिसके दिल में जो आए वो माना मफहूम निकाल सकता है इस आयत से, ऐसा भी है। उतनी वसअत है उस आयत में। आयत क्या है, आयत का दूसरा टुकड़ा क्या है? अल्लाह कहता है वलौला दफअल्लाहु अन्नास बअदहुम बिबअद लफसदत अल-अर्ध वलकिन अल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। वलौला दफअल्लाहु अन्नास, वलौला और अगर नहीं होता ऐसा, वलौ यानी और अगर, ला दफअल्लाह नहीं दिफा करता अल्लाह तबारक व ताला लोगों को। वलौला दफअल्लाहु अन्नास लोगों में, अगर उसका तर्जुमा अगर ऐसा किया जाए तो और अच्छा माना पैदा होगा। अगर अल्लाह तआला लोगों में दिफा न करता, एक दूसरे को न बचाता, बअज़हुम बिबअज़, एक दूसरे से इंसानों को अल्लाह तआला न बचाता, एक दूसरे का दिफा न करवाता, लफसदतिल अर्ज़, तो जमीन में फसाद फैल जाता। बहुत ही जबरदस्त आयत है। अकीदे को सुधारने के लिए भी, अकीदे की तालीम देने के लिए भी, ईमान को मजबूत करने के लिए भी, दुनिया में अमन और शांति कायम करने के लिए भी, हुकूमत का सही तस्वूर देने के लिए भी, बहुत ही जामा, बहुत ही जबरदस्त आयत है। क्या कहा अल्लाह ने, वलौला दफअल्लाहु अन्नास, अगर अल्लाह तबारक ताला लोगों में एक दूसरे का दिफा न करता, एक दूसरे के जरिए से दिफा न करवाता, तो जमीन में फसाद फैल जाता। ये दिफा क्या है, इसका माना मफहूम हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले वो माना मफहूम समझना पड़ेगा जो अल्लाह तबारक ताला यहाँ पर बयान कर रहा है। अल्फाज के जरिए जो माना मफहूम निकलता है उसको समझना पड़ेगा। अल्लाह तआला कहता है कि जब भी इस सरजमीन पर किसी की हुकूमत रही तो उसकी हुकूमत अब्दुल आबाद नहीं रही, हमेशा हमेशा नहीं रही। उसकी हुकूमत को अल्लाह ने गिराया और उसके बदले दूसरे की हुकूमत ले आया। ये करने वाली जात किसकी, अल्लाह की। जब दूसरी हुकूमत आई तो गोया कि अल्लाह ने दूसरी हुकूमत से पहले हुकूमत का दिफा किया। दिफा के माने दूर करने के भी है, बचाने के भी है, जैसे कि डिफेंड करना कहते हैं, उसी तरह दूर करने के भी है। जैसा ऑफेंस होता है वैसे डिफेंसिव होता है, यानी कि दूर हो जाना। डिफेंस कहते भी है कि दुश्मनों को हमला करने से रोकना, दूर रखना, तो दिफा वही है। एक होती है दिफाई कार्रवाई
जिसमें से रोका जाता है, दूर रखा जाता है अपने लोगों से, और एक हमला करने वाली कार्रवाई होती है जिसमें हमला किया जाता है, जवाबी कार्रवाई जिसको बोलते हैं। तो यहां जो लफ्ज है वो दिफा है, दफ़अल्लाह यानी अल्लाह ताला रोकता है, दूर रखता है, यानी एक दूसरे के एक दूसरे पर हमला करने से, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से अल्लाह ताला अगर लोगों को ना रोकता तो दुनिया में फसाद फैल जाता। इस आयत को का सही मफहूम समझने के लिए बस इतनी मिसाल याद रख लीजिए कि अगर इस जमीन पर जब से दुनिया बनी है एक की हुकूमत होती तो क्या होता, एक ही की हुकूमत चल रही है, जब से दुनिया बनी है एक ही शख्स की अगर हुकूमत चल रही है, अगर ये भी समझ लिया जाए, ये भी अज्यूम किया जाए, ये फर्ज कर लिया जाए कि जिसकी हुकूमत है नौजुबिल्ला उसको मौत नहीं आ रही, अब्दुल आबाद है पर इंसानों में से, तब भी इंसानी फितरत के तकाजे के तहत जो खबासत और बुराई उसमें होगी वो तो रहेगी। जब कंटिन्यू एक साथ लगातार जब उसको हुकूमत मिलेगी तो उसके अंदर बुराइयां पनपेंगी, फिर लोगों पर जुल्म करना शुरू करेगा, या अगर उसको उतनी जिंदगी न भी मिले, औलाद के औलाद औलाद के औलाद औलाद के औलाद अगर हुकूमत मिलती जाए एक ही किस्म के लोगों को, एक ही जहनियत के लोगों को, एक ही मकतब फिक्र के लोगों को, तो क्या होगा, दुनिया में फसाद फैलेगा। ये अल्लाह तआला आम दुनियावी उमूर की बात कर रहा है, दीन का तज़किरा नहीं है अभी इसमें, दीन का तज़किरा नहीं है, क्योंकि दीन के ताल्लुक से इस्लामी अहकामात के नाफिज करने के ताल्लुक से अल्लाह ने तो अलल ऐलान कह दिया है जब से दुनिया बनी है कि हम हमेशा ईमान वालों को ही हमारी जमीन का खलीफा बनाते हैं, हमारी जमीन के वारिस बनाते हैं, क्योंकि